एक बहुत वड्डी फौज आ लखा करोड़ा दी जिन्हां दी आपां गिनती नहीं कर सकते और परमेश्वर ने फौज ठहराई हुई आ और उस फौज नूं असीं देख भी नहीं पा सकते और उन्हां दा नाम है स्वर्गदूत। सब बोलिए स्वर्गदूत, पिछे वाले बोलिए स्वर्गदूत। कभी सुनिया स्वर्गदूत का नाम? कभी सुना स्वर्गदूत का नाम कि स्वर्गदूत भी होंगे? हालेलुया। सत अठ महीने पहला एक बार इस जगह ते बंदगी हो रही थी और एतवार का यह दिन सी और जिस समय आराधना हो रही थी और परमेश्वर ने दो स्वर्गदूत, एक वड्डा स्वर्गदूत सी काफी उच्चा लंबा सी और एक छोटा स्वर्गदूत सी और एक सर्विस दे विच और एक समय दे विच दो जाणियां नूं दिखाई दिते गए और दोवां ने जो गवाही दिती और उन्हां दी जिहड़ी गल्लां मिलदियां सी और उन्होंने जो उन्हां दी पहचान दसी, हालांकि एक दूजे नाल गल नहीं कीती और सेम उन्होंने देखिया एक स्वर्गदूत उस वेले आराधना वाला सी और इस जगह ते दिखाई दिता गया। और मैनू याद आ कि शायद 5-6 महीने होए और उदो सर्विस हो रही सी और जिस समय लास छुटकारे की प्रार्थना चल रही थी और एक भैन आई और उसने इस जगह से परमेश्वर का बहुत वड्डा स्वर्गदूत देखा और उस समय जो उन्हें स्वर्गदूत देखे वह गूंगी हो गई, बोल नहीं पाई, बस उसके अखा के विच हंजू निकल रहे थे और वह उस चीज को बयान नहीं कर पाई जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया। और काफी असं पूछते रहे और काफी समा लगा, एक दो घंटे बाद जो होश दे विच आए और उन्होंने दसिया कि परमेश्वर की हजूरी और जलाल में इस जगह से भरिया देखा और स्टेज के उत्ते एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति उन्होंने दिखाई दिता गया और शरीर के विच सी और स्वर्गदूत सीगा। हालेलुया। जे परमेश्वर की हजूरी ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। और एक जगह बाइबल दे विच लिखिया कि जो अलीशा नबी ते उदा दास एक जगह ते सी, जो उन्होंने देखिया कि एक कौम उन्होंने उत्ते हमला करन दे लिए आ रही आ ते जो उन्होंने देखिया कि बहुत सारे लोग सानू मारन दे लिए आ रहे आ ते उस समय वो जिहड़ा दास सीगा घबरा गया, डाढा उन्हूं चिंता पई ते उस समय परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा, तू कहना ना डर ना घबर, जिहड़ा साडे वल आ उह उहनां दे नालों ज्यादा आ। और जिस समय उसने अपने दास दे लई प्रार्थना कीती आ कि हे परमेश्वर, हे पिता, इहदी अखां नूं खोल दे और उसने की देखिया, परमेश्वर के दास अलीशा दे द्वारा आले दुआले की सीगे लखां लख स्वर्गदूत सी और उस लखां करोड़ां दी फौज तो ज्यादे सी जिहड़े हमला करन दे लई आ रहे सी। और जिस वेले परमेश्वर दास ने प्रेयर की और खास उसकी अखा खुलिया तो देख पाया। हालेलुया। और स्वर्गदूत नूं असीं अपनी मंशा दे नाल देख नहीं सकते, अपनी इच्छा दे अनुसार असीं देख नहीं सकते, जो तक वह परमेश्वर सानू अबिलिटी ना दे देखण दी उदो तक। इहदा मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने जिहड़े स्वर्गदूत आ बनाए नहीं आ, बनाए आ। स्वर्ग के विच सानू पता है कि उस पिता परमेश्वर यहोवा दा सिंहासन आ और सिंहासन दे कोल किहदी फौज आ? स्वर्गदूतां दी आ। नवी दी किताब दसदी आ कि लखां लख जिहड़े स्वर्गदूत आ उह हालेलुया दे नारे लांदे होए परमेश्वर दी महिमा आराधना उहदे स्वर्ग दे विच करदे रहिंदे आ। स्वर्ग खाली नहीं आ, स्वर्ग कला परमेश्वर का नहीं आ। परमेश्वर ने एक अपने लिए लोग बनाए आ, एक खास कौम बनाई है जिहड़ी स्वर्गदूत आ और वह परमेश्वर के नाल आ उस जगह ते। हालेलुया। और एक दिन असी भी उस स्वर्ग के विच होवांगे उस परमेश्वर के नाल और उन्हां स्वर्गदूतां दे नाल। आमीन। विश्वास करते हैं। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ांगे, उत्पत्ति की किताब उहदा 2 अध्याय उहदी 1 आयत।
उत्पत्ति की किताब उदा दो अध्याय उदी एक आयत है। सो आकाश ते धरती ते उन्हां दी सारी वसो संपूर्ण कीती गई अते पर दो दी एक आयत जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। पंजाबी विच की लिखिया सेना दी जगह ते सो आकाश ते धरती दे उन्हां दी सारी वसो वसो सेना हिंदी जी साफ साफ लिखिया जो आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। इस समय सानू पता है कि इस अकाउंट दे विच परमेश्वर ने आत्म और हवा नू बनाया, सारे जानवरां नू बनाया, पंछी नू बनाया, जमीन समान आकाश बना देता, पर लिखिया आया कि सेना दा बनाना भी समाप्त होया। परमेश्वर ने ते कल्ला एक जोड़ा बनाया सी, कपल बनाया आदम और हवा, अल्ले उन्होंने बच्चों की सेना आनी सी। पर इस जगह से की पढ़ते हैं कि एक बड़ी सेना का बनाना की होया समाप्त होया। कुलुसिया की पत्री उसका एक अध्याय 16 आयत पढ़िए कि किवें इस जगह से असीं देखिया कि परमेश्वर ने शुरुआत दे विच जदों जमीन आसमान आदम हवा इस सृष्टि बनाई उदो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों ने भी बनाया। इहदा मतलब कि परमेश्वर ही स्वर्गदूतों का रचनहार आ। कुलुसिया दी पत्री उहदा एक अध्याय उहदी 16 आयत क्यों जो आकाश अते धरती उतलियां सारियां वस्तां उसे तो उत्पत्त होईयां। सुनिए क्योंकि वचन की कहिंदा आ आकाश अते धरती दे उपर जिहड़ी आ वस्तां सारा कुछ किने बनाया परमेश्वर ने बनाया। और इस तों बाद पढ़िए नाले दिसण वालियां नाले दिसण वालियां हुण नाले ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਨੰਬਰ 2 ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਆ ਬੋਲੀਏ, ना दिखने वाले कीड़े जीव आ। जंगल दे विच असीं शेरां नूं देख सकते हैं जां नहीं देख सकते आ, आकाश दे परिंदे आ पंछियां नूं देख सकते हैं जां नहीं देख सकते आ, पेड़ पौधे असीं देख सकते हैं, ये दिखण वाली अवस्था। इंसान नूं असीं देख सकते हैं देख सकते आ, क्या ना दिखण वाले कौन आ स्वर्गदूत जिहड़े लखा लखा आ करोड़ा करोड़ा आ, गिनती उहनां दी कीती नहीं जा सकदी, और वह भी परमेश्वर ने बनाए। अगे आयत पूरी करिए की सिंहासन की रियासता की हकूमता की इख्तियार सब कुछ उस दे राही अते उसे दे लई उत्पत्त होया है। सारा कुछ जो इख्तियार जो रियासता जो अधिकार परमेश्वर के द्वारा उत्पत्त होया। और जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए की परमेश्वर ने स्वर्गदूत अपने लिए बनाए आ जां साडे लई वी आ, साडे लई वी आ, मानदे इस गल नूं? परमेश्वर ने स्वर्ग दे विच स्वर्गदूत बनाए और ओह किहदे लई आ, ओह ओहदे लई वी आ, ओहदी आराधना करदे आ और ओहदे हुक्म नूं मानदे आ, और ओह स्वर्गदूत किहनां दे लई आ बोलिए, साडे लई वी आ, साडे लई वी आ। पर ओह जिहड़े स्वर्गदूत आ उहनां दा जिहड़ा आकार आ ओह फिजिकल नहीं, ओह शरीरक नहीं आ। जिवें साडा शरीर आ सानूं आकार दित्ता गया, हालांकि देखण दे विच ओह इस तरह नजर आ सकदे आ पर ओह शरीरक नहीं आ। शरीर दे विच जिहड़ा व्यक्ति आ ओह सूंघ सकदा आ, ओह टेस्ट कर सकदा आ, ओहनूं छूहिया जा सकदा, ओहदे अंदर मांस ते हड्डी आ। पर स्वर्गदूत जिन्हां नूं आपां देख नहीं सकते ओह शरीरक नहीं आ, पर ओह स्पिरिचुअल और आत्मिक बींग आ, ओह आत्मा आ। स्वर्गदूत की आ परमेश्वर दे वलों जिहड़े कल्ले गए आत्मा आ, अलग अलग स्पिरिट्स अलग अलग आत्मा जिहनूं आपां स्वर्गदूत कहिंदे आ। और सारे जिहड़े स्वर्गदूत आ परमेश्वर ने बनाए और परमेश्वर तों अधीन आ। सब तो जिहड़ा सुप्रीम गॉड आ सब तो वड्डी ताकत किहदी आ, परमेश्वर दी बोली आ, परमेश्वर दी आ, सब तो वड्डी ताकत परमेश्वर दी आ, और उस तो थल्ले जिहड़े अधीन आ।
स्वर्ग दूत बनाई और परमेश्वर तो घट ताकत स्वर्ग दूता दी आ और बड़े बलवान और इन्हां दे विच्चों एक स्वर्ग दूत लूसीफर भी सी शैतान भी सी जिहदे कोल स्वर्ग दूता का तीसरा हिस्सा उहदे अंडर दित्ता सीगा और तीसरे हिस्से स्वर्ग दूता दा मंत्री सीगा और उहदे जीवन दे विच इहो जिही घटना घटी कि उहने चाहिया कि मैं अपने आप नूं परमेश्वर दे तुल्ले परमेश्वर दे बराबर मैं सिंघासन ते बिठा लवां और उसी समय लूका 10 अध्याय विच प्रभु यीशु ने कहा कि मैं शैतान नूं आसमान तों बिजली दी न्याई धरती दे उत्ते डिगदे होए देखिया। हालेलुया। स्वर्ग दूत दे मन दे विच आई कि मैं भी परमेश्वर दे तुल्ले समान हो जावां और परमेश्वर ने उस लूसीफर नूं आसमान उस स्वर्ग तो थले सुट दिता ते नाल जिहड़ा तीसरा हिस्सा उहदे अधीन जिहड़े स्वर्ग दूत सीगे उहनां नूं भी थले सुट दिता और परमेश्वर दे राज तो बाहर हो गए और जिहड़ी अज की आ दुष्ट आत्मावां आ दुष्ट आत्मावां भी एक समय स्वर्गदूत सी पर इह परमेश्वर दी आज्ञाकारी तो बाहर हो गई आ और अज इहनां नूं असीं दुष्ट आत्मा कहिंदे आ कि दुष्ट ते इह और परमेश्वर की गल नहीं मानते पर जिहड़े स्वर्गदूत आ परमेश्वर के अधीन आ और इकल्ले परमेश्वर के अधीन आ व्यक्ति के अधीन नहीं आ। हालांकि परमेश्वर का वचन दसदा कि जिहड़े स्वर्गदूत आ परमेश्वर अते मनुखा की सेवा दे लई दित्ते गए आ पर इहदा मतलब यह नहीं कि असीं उहनां नूं हुक्म चला सकते आ नो परमेश्वर की आग्या नूं मानदे आ कि बाइबल दे विच स्वर्ग दूता का जिक्र होया जा नहीं बोलिए होया बाइबल दे विच असीं किन्ने तरह के इंसान देखते हैं क्रिश्चियन पहली एक इंसान देखते हैं असीं इंसान जाति देखते हैं दूसरा असीं स्वर्ग दूता नूं देखते हैं और तीसरा दुष्ट आत्मावां नूं देखते हैं तीन तरह की पर्सनैलिटी जो चर्च बाइबल दे विच नजर आती है और की स्वर्ग दूता का रोल आ सब तो पहली गल कि वह परमेश्वर की इच्छा नूं पूरी करन दे लई उपर प्रभु की इच्छा पूरी करन दे लई वह धरती दे उत्ते आंदे आ। हालेलुया। जे अगर असी बाइबल उत्पत्ति तो लैके लास्ट बुक रेवलेशन तक प्रकाश की पोथी तक पढ़ते हाँ तो ये लगभग हर पुस्तक के स्वर्गदूत का जिक्र हैगा आ जे जिक्र हैगा इहदा मतलब स्वर्गदूत हैगे भी आ। साडा यकीन करना जां ना करना इस गल नूं फेल नहीं कर दिंदा इस गल नूं झूठिया नहीं कर दिंदा कि स्वर्गदूत नहीं आ स्वर्गदूत हैगे आ। बोलिए स्वर्गदूत हैगे आ। और स्वर्गदूत की आ हैगे आ और परमेश्वर ने उन्हूं अपनी सेवा दे लई बनाया और वह जिहड़े स्वर्गदूत आ जिस समय प्रभु यीशु ने पैदा होना सीगा प्रभु दे पैदा होने का संदेशा कौन लैके आया स्वर्गदूत। जदों प्रभु पैदा हो गया पहली खुशखबरी चरवाहे नूं किहने दित्ती जदों प्रभु यीशु मौत तो जी उठे पहली गल किहने दसी उन्हां औरतां नूं कि उह तां मरिया नहीं बल्कि मुरदिआं तो जी उठिआ आ स्वर्गदूतां ने। इहदा मतलब कि स्वर्गदूत हैगे आ। और जदों मरियम हले कुंवारी सी और जिहड़ा परमेश्वर दे हजूर ही एक स्वर्गदूत आया जिहदा नाम जिब्राइल आ वह फरिश्ता जिहनूं आपां फरिश्ता भी कहिंदे आ और जदों परमेश्वर दी हजूरी तो मरियम दे कोल आया ते उहने मरियम नूं कहा कि मरियम तू धन है और तेरे घर एक बेटा पैदा होएगा तू उहदा नाम यीशू रखी। यीशू नाम किहने रख्या स्वर्गदूतां ने। सारी गल ही अगे पिछे की आ स्वर्गदूतां दी आ। और जदों प्रभु यीशु पैदा हो गया उस वेले दसदे आ कि जिहड़े स्वर्गदूत आ प्रभु दी सेवा टहल दे लई उस जगह ते गीत भजन गा रहे सी और बहुत सारे स्वर्गदूत प्रभु दी हजूरी दे आले दुआले सी जदों प्रभु यीशु हले बच्चे दे रूप दे विच पैदा होए और मरियम नूं की कहा कि तू गर्भवती होएगी तेरे घर बेटा पैदा होएगा तू उहदा नाम यीशु रखी। अगर सानू स्वर्गदूतां ने कोई शब्द बोलिया कि असीं यकीन करना जां नहीं
करांगे। और इस समय मरियम ने किया तो तेरे घर बेटा पैदा होना, और उन्हें क्या मैं किसी इंसान नु नहीं जानती, मेरा तो हले ब्याह नहीं होया, मेरे घर बेटा कितना पैदा हो सकता। पर एंजल्स ने स्वर्ग दूत ने की किया ये ते पे इस ब्याह दे नाल नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति दे नाल होएगा और तेरे घर बेटा पैदा होएगा। और जिस लड़की जिहड़ी मरियम की कुड़माई उस यूसुफ दे नाल हुई सी और उहदे सुपने दे विच कौन आया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत और जिहड़ा यूसुफ एक कुआरी कुड़ी दे नाल जदों उहदी मंगणी हुई सी, जदों उहनूं इस गल की खबर आई कि जिहड़ा मेरे नाल ब्याह होणा आ उहदा गर्भवती आ, और उन्हें अपने मन दे विच इच्छा रखी कि मैं इहनूं छड्ड दवां, पर जदों उह सो रिहा सीगा ते कौन आया सुपने दे विच? स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत ने की कहा कि सारा कुछ परमेश्वर भलो आ, तू उन्हूं अपनी पत्नी करन तो ना इनकार ना कर, तेरे घर दा प्रभ पैदा होके आन जा रहा है। और उन्हें स्वर्गदूता की गल मनी ते उस तरह ही होया। सब बोली हालेलुया हालेलुया। और जो प्रभु यीशु पैदा हो गया स्वर्गदूत खुशी मना रहे थे, चरवाहे दे कोल गए और कह रहे कि तुसी वड्डी खुशी मनाओ, अज दाऊद दे घराने, अज दाऊद दे नगर दे विच कौन पैदा होया? मुक्ति दाता पैदा होया। दुनिया नूं पता ही नहीं सी कि कौन पैदा हो गया, किसी नूं कोई खबर नहीं सी, पर चरवाहे दे कोल कौन आए? स्वर्गदूत। और उन्होंने असली पहचान दसी कि मुक्ति दाता पैदा हो चुके आया। हालेलुया हालेलुया। और जो शत्रक मेशक आवेदनगो जो इन्हों बलदी हुई अग की भट्ठी के सुटिया गया तो चौथा छुड़ाने वाला कौन सीगा? स्वर्गदूत। तिन्नां इंसानां नूं बलदी हुई अग दी भट्ठी दे विच सुट्टिया गया और एक चौथा चलदा फिरदा नजर आया और तिन्नां नूं बिना जले तो बाहर कढ दित्ता भट्ठी दे विच, और वह कौन सीगा? स्वर्गदूत सीगा। हालेलुया। जे स्वर्गदूतां ने प्रभु यीशु दी सेवा कीती ते इंसानां दी भी सेवा कीती। और कौन सीगा जो दानियल नूं बब्बर शेरां दे अगे सुट्टिया गया और जिन्हें शेरां दे मूंह बंद कर दिते? स्वर्गदूत। हालेलुया। चाहे कोई देख सके चाहे ना, पर जिहड़े लोग प्रभु दी सेवा करदे आ प्रभु ने दे लई अपने आप नूं दित्ता होया आ उहनां लोकां दी सेवा दे विच की आ? स्वर्गदूत आ। हालेलुया हालेलुया। लोकां दे विच लिखिया कि जदों स्वर्ग दे विच एक व्यक्ति तावा करदा आ, एक व्यक्ति मन फिरांदा आ और परमेश्वर दे राज दे विच आ जांदा आ तां स्वर्ग दे विच लखां लख स्वर्गदूत की करदे आ? खुशी मनांदे आ। हालेलुया। किन्ना खुश हुंदे आ एक इंसान दे लई जदों एक इंसान अपना जीवन प्रभु नूं दे दिंदा ते लखां लख स्वर्गदूत की करदे आ? एंजॉय पार्टी करदे आ स्वर्ग दे विच। अज असी सीख रहे हैं उन्होंने स्वर्गदूतों के बारे। 91 जबूर उहदे 11 आयत दे विच लिखा आ कि वह अपने स्वर्गदूतों नूं तेरे लिए हुक्म देगा कि तेरे पैर नूं सट ना लग जाए। 91 जबूर उहदी 11 आयत पढ़िए। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। 91 ਜ਼ਬੂਰ 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ और जीवन लगता खत्म सीगा पर एकदम मैनू बचा लिया किसी ने? बहुत सारी इस तरह की गवाहियां होंगे कि एक्सीडेंट होने वाला सीगा पर एकदम पता नहीं की होया कि उस वड्डे झटके तो उस वड्डे एक्सीडेंट तो मैनू बचा लिया गया। पर वचन दे विच की लिखिया? वो अपने दूतां नू तेरे लिए हुक्म देगा कि तेरे सारे राहां दे विच की करे? रख्या करे। इहदा मतलब कि परमेश्वर ने साडे लई अपने स्वर्गदूतां नूं हुक्म दे दिता आ कि साडे सारे राहां दे विच की हो जाए? साडी रख्या हो जाए। हालेलुया।
जेड़ा स्वर्ग दूत आ साडी रक्षा दे लई आ, और जेड़े नंबर दो जेड़े स्वर्ग दूत आ साडे लई जेड़े परमेश्वर दे शब्द बोलदे आ ओदे अधीन आ। एक बार दानियल नबी प्रार्थना कर रहा सीगा, और जो प्रार्थना की उसी समय स्वर्ग दूत नूं परमेश्वर ने उत्तर दे के भेज दिता। हालेलुया। जे असी प्रार्थना करते हैं तो साडा उत्तर कौन लेके आंदा आ? हालेलुया। एक अजिही फौज, एक अजिहे व्यक्ति जिन्हों असी शायद देख नहीं पाते, पर बाइबल दसदे उन्होंने बहुत ज्यादा रोल आ, बहुत सारी जिम्मेवारियां आ, और उस स्वर्ग दूत आ जिहड़ा सानू छुटकारा भी दे सकदे आ, चाहे साडी बीमारी होवे, चाहे साडे बंधन होवे। एक जगह लिखा आ कि जो प्रभु यसू मसीह अपनी सेवकाई करते थे और प्रभु यसू एक थां ते पहुंचे, एक जगह ते पूल बनया होया सीगा, और उस जगह ते स्वर्ग दूत उतरता सीगा और वह पानी नूं हिलाउंदा सीगा, और जेड़ा पहला पानी दे विच जाके इशनान करदा सी ओ चंगा हो जांदा गा। एक स्टोरी पढ़ी कि नहीं बाइबल दे विच? जे असी बाइबल पढ़ते हाँ, स्वर्ग दूत की करता सीगा, वो आंदा सीगा एक जगह, एक सरोवर बनाया होंदा गा, वो पानी नूं हिलाउंदा सीगा, जिहड़ा व्यक्ति उहदे विच पहला पानी च इशनान करता सीगा वो चंगा हो जांदा गा, चाहे अतरंग होवे, चाहे दुष्ट आत्मा होवे, चाहे लंगड़ा, चाहे अन्ना, हर समस्या का हल होंदा सीगा। और एक व्यक्ति निराश होया पिया सीगा और प्रभु यीशु दे कोल आए, की होया तू क्यों निराश आ? उन्हें कहा प्रभु मैं बहुत सालों तो अतरंगी आ, मैं चल फिर नहीं सकता। और प्रभु यीशु नूं कहिंदा, कहिंदा मेरे कोल इहो जिहा कोई व्यक्ति नहीं जिहड़ा मेरी हैल्प कर सके कि जदों पानी हिलदा आ उहदे विच मैनूं इशनान करा सके, इस तों पहला कि मैं जाण दी कोशिश करदा होर कोई आके पहला उस जगह ते इशनान कर लैंदा ते चंगा हो जांदा। कहिंदा मतलब कि स्वर्ग दूत व्यक्तियां नूं चंगे भी कर सकदे आ। हालेलुया। और की होया? प्रभु यीशु ने कहा जे तू निश्चय करे तो तू चंगा हो जाएगा। उस समय उसकी चंगियाई प्रभु यीशु ने दिती, पर जिहड़ा हालात सी उस जगह ते स्वर्गदूत चंगियाई दे रहा सीगा। हालेलुया। और की होया कि जदों पतरस जेल दे विच सीगा, जदों उन्हें कैदी बनाया गया और पतरस सुता पिया सीगा और किते उसकी बखी दे उत्ते हाथ मारिया ते कहा उठ ते बाहर चल, कहने कहा उन्हें स्वर्गदूत ने, जे वह स्वर्गदूत दे आखे ना लगता फिर की होना सी, उन्हें जेल दे विच रहना सी, और सुता पिया उन्हें नींदे उठा के स्वर्गदूत ने उसकी बखी च मारिया ते कहा मेरे नाल चल। और स्वर्गदूत जो उन्हें कहना मनिया बंद जेलों के विचों, जिमें स्वर्गदूत का अपना तो शरीर नहीं है, वह तो कंध तो आर आर पार जा सकते हैं, और इस तरह उन्हें पतरस की भी बांह फड़ी हुई होगी, और जो पतरस जो स्वर्गदूत दीवार को पार करता उन्हें जेलों की जंजीरों और दरवाजे को पार करता तो पतरस भी नाल पार हो जाता, तो जेलों के दरवाजे बंद और जिंदा लग्या गा। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने पतरस की बांह फड़ी आ और उन्हें बाहर एक गली दे विच ले जाके छड़ दिंदा, और पतरस की अखा खोलदी आ, उन्हें लगता खरे मैं नींद दे विच आ, पर उदो तक उदा छुटकारा हो चुकिया सी। हालेलुया। जिहड़े स्वर्गदूत आ साडे लई बहुत जिम्मेवारी आ साडे प्रति, खास करके जिहड़े उहदे सेवकाई दे विच आ, खास करके जिहड़े लोग उहदे नाल चलना चाहते आ, इमानदारी नाल उहदे वचनां नूं पूरा करते आ, तां उहनां लई वचन आ कि तेरे लिए वह अपने दूतां नूं उहने हुक्म दे दिता कि तुहाडे सारे राहां दे विच की करेगी, रख्या करेगा। हालेलुया। और ये जिहड़े स्वर्गदूत आ कदी मरदे नहीं आ। हालेलुया। कि स्वर्गदूत नूं कोई मार सकदा? कोई दुष्ट आत्मा नु मार सकदा? कि दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत नु मार सकदी? स्वर्गदूत की हुंदा? इह मरदे नहीं आ। एक जगह ते प्रभु यीशु नु फरीसियां ने पुछया कि एक औरत आ जदों उहदा पहला ब्याह होया और उहदे घर बच्चा नहीं पैदा होया और उहदा पहला पति मर गया, लूका 20 अध्याय दे विच आ, और औरत ने की कीता उहदे भरा दे नाल दूसरा ब्याह कर लिया और उहदे घर भी बच्चा पैदा नहीं होया और वह भी मर गया, एक एक करके जिहड़े आ सत्ते ही मर गए,
और सवाल पूछन डे आ कि स्वर्ग दे विच केदी पत्नी होएगी। स्वर्ग दे विच की आ ये औरत केदी पत्नी होएगी। और प्रभु यीशु ने की किया स्वर्ग दे विच की आ ना कोई कहिंदा जमदा आ ना कोई मरदा आ बल्कि स्वर्ग दूता दे समान आ। इहदा मतलब कि जिन्ने परमेश्वर ने स्वर्ग दूत बना दित्ते आ उहदे तों वध नहीं हो सकदे। ठीक है, इंसान जाति की तरह नहीं है कि ब्याह होंगे और बच्चे पैदा हो जाते हैं और होर स्वर्गदूत पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसा की गल होंगी तो शैतान ने तो बहुत सारी सेना पैदा कर लेनी थी। हालेलुया। पर नहीं, जिन्हें बना दिते उन्ने ही आ, ये ना मरते आ पर इटरनल बीइंग आ और हमेशा हमेशा की इन्हों की लाइफ आ स्वर्गदूता की, इन्हों कोई मार नहीं सकता। और जेडे स्वर्गदूत इंसान नहीं आ। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। और जेडे स्वर्गदूत परमेश्वर की तरह ना तो सर्व शक्तिमान आ ना तो सर्व व्यापक आ ना तो सर्व ज्ञानी आ। हालांकि स्वर्गदूतों के अंदर बहुत सारी ताकत आ बहुत सारी बोध आ पर एक परमेश्वर साडा जिहड़ा यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु उही परमेश्वर आ जिहड़ा सर्व व्यापक आ मतलब कि सारी जगह से वास कर सकता है। अज इस चर्च के विच काम कर रहे इसे समय जिन्निया भी दुनिया भर के सत्संग हो रहा उस जगह से भी की कर रहा परमेश्वर काम कर रहा। परमेश्वर की हजूरी एक अजिही आ चाहे लखा लखा चर्चेस होण चाहे लखा लख लोग प्रार्थना करते होण परमेश्वर एक समय सुनदा और सारे दे कोल मौजूद आ। क्यों? सर्व व्यापक आ और सर्व ज्ञानी आ। परमेश्वर का वचन दसदा जिहड़ा परमेश्वर आ साडे हर एक दिल की गल हर एक जो साडे अंदर साडी सोच आती आ परमेश्वर उन्हूं की करदा आ जान लैंदा। पर स्वर्गदूत नहीं जान पाते। स्वर्गदूत उन्ना ही जानते जिन्ना परमेश्वर ने उन्होंने हुक्म दिता है जिन्ना परमेश्वर ने उन्होंने आज्ञा दी है जिम्मेवारी दी है। और सर्व शक्तिमान नहीं है परमेश्वर साडा सर्व शक्तिमान आ। परमेश्वर ने की किया अपने मूह के बोल दे नाल बोलिया कि जमीन आसमान बन जाए और सारा कुछ बन गया। पर स्वर्गदूत अजिहा नहीं कर सकते। जिन्ना परमेश्वर उन्हूं कहवे स्वर्गदूतां नूं ओ कर सकदे आ। पर महान कौन होया? साडा परमेश्वर होया। बोलिए परमेश्वर महान आ परमेश्वर महान आ। स्वर्गदूत साडे लई बहुत वड्डे वड्डे काम कर सकदे आ। स्वर्गदूत सानूं छुटकारा दे सकदे आ। स्वर्गदूत साडे लई जंग लड़ सकदे आ। स्वर्ग साडे लई प्रार्थना का उत्तर लेके आ सकते हैं। पर जो परमेश्वर का स्थान आ असी परमेश्वर का रखना आ असी स्वर्गदूतों का नहीं रखना। अज अगर मैं तुहानूं स्वर्गदूतों के बारे सिखाउंदा इहदा मतलब कि असी साडी प्रार्थना कौन सुणदा आ? परमेश्वर सुणदा आ। बोलिए परमेश्वर सुणदा आ। जिथे दो या तीन प्रभु के नाम के विच इकट्ठे होंदे कौन मौजूद होंदा? उत्थे परमेश्वर होंदा आ। स्वर्गदूत नहीं। स्वर्गदूत साडी सेवा के लिए रखे गए आ। पर महान कौन आ? परमेश्वर आ। असी किहदा नाम लैके प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर दा। बाणी दे विच लिखिया कि तुसी जो प्रभु यीशु दे नाम दे विच मंगोगे ते परमेश्वर तुहाडे लई पूरा करेगा। किसी दूता दे लई उहने हुक्म दिता कि तुसी उस जिब्राइल दे नाम उस मिकाइल दे नाम उस स्वर्गदूता दे जो भी नाम आ उहनां दे नाम दे विच तुसी प्रार्थना करो ते तुहाडे लई उत्तर आएगा। कदी भी स्वर्गदूता दा नाम लैके नहीं प्रार्थना करनी। स्वर्गदूता दे अगे भी प्रार्थना नहीं करनी क्योंकि इस दुनिया दे विच एक ही पूजन योग आ एक ही आराधना योग आ। ओ कौन आ? साडा परमेश्वर आ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ। ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। पर अज स्वर्गदूतों के बारे मैं तुहानू सिखा रहा हां और एक गल जरूरी आ कि असी स्वर्गदूतों के अगे प्रार्थना नहीं करनी। स्वर्गदूतों का नाम लैके असी अपना सिर नहीं झुकाना।
पर स्वर्ग दूता दी एक गल नूं मान सकदे आ, जो वह कहिंदे आ वह करके दिखाना। हालेलुया। जे मरियम ने स्वर्ग दूत की गल ना मन्नी हुंदी ते मरियम की थां प्रभु यसू की होर कोई माता होनी सी। पिछले संडे की सुनिया कि एक जिहड़ा जकरिया एक जाजक सीगा जिहड़ा बुढ़ापे दे विच सीगा और उहदे घर औलाद नहीं सी, और जदों स्वर्ग दूत ने उहनूं हुक्म दिता कि तेरे घर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तेरा पुत्र पैदा होएगा, ते उहने यकीन नहीं कीता ते स्वर्ग दूत ने की कीता, उहदा मूंह बंद कर दिता जदों तक उहदे बेटा पैदा नहीं होया। हालेलुया। स्वर्गदूत खुश हो सकते आ, स्वर्गदूत खुशी मना सकते आ, पर स्वर्गदूत मजाक की भाषा नहीं समझते। स्वर्गदूत ने आपे नाल कोई गल की, सुपने च आके गल की और तुसी उन्हें मजाक दे विच ले लो, शायद मजाक आ ना। तो स्वर्गदूत रोंदे आ ना, तो स्वर्गदूत मजाक करते आ ना, तो चुगली करते ना घट बोलते, पर स्वर्गदूत परमेश्वर का मैसेज देंगे और सच बोलते और खुश होंगे, दो ही उन्होंने अंदर बिहेवियर है उन्होंने। हालेलुया। और इन्होंने दिनों के इस गल ध्यान सब जन सुन कि इन्हों दिनों जो स्वर्गदूत आ वह हले भी काम करते और हले भी परमेश्वर के जोड़े लोग आना सुपन उन्होंने जीवन आके अपना काम करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर वचन कह रहा कि वह स्वर्ग दूता नूं अपने लिए की करता है, वह हवावां बनांदा है ते अपने अपने जिहड़े दास आ उन्हां नूं अग दियां लाटां। परमेश्वर जिहड़े एक इस जगह ते एक गल होर याद आई कि बंदगी हो रही थी, उदों शैड दे थले बंदगी हो रही थी और यह हॉल बनिया नहीं पिया सीगा, और उदों भी शायद मैं स्वर्गदूतां दे बारे सिखाया सीगा, और जो तो लास्ट प्रार्थना हो रही थी और यहो जी अगवाई आई कि यहो जी लोगों ने अपने उत्ते हवा नूं चलते हुए देखा, और हालांकि उस समय पक्खा बंद सीगा और गवाइया दे विच कह रहे थे कि मैं इस तरह फील किया कि जिवें मेरे उत्ते कोई हवा चल रही है कि एक आंधी आ रही है, और मैं फील कर रहा सी जां फील कर रही सी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने दूतों नूं की करता है, हवावां बना के भी भेजदा। इबरानिया पढ़िए एक अध्याय देखिए कितनी आयत, नौ आयत शायद पढ़िए। इबरानिया एक अध्याय जरूर ये वचन पढ़िए, इब्रानिया एक अध्याय देखिए अठ या नौ सत। अते ओह दूतां दे विखे आखदा है, ओह अपने दूतां नूं हवावां। हां जी, परमेश्वर का वचन की कह रहा है कि वह अपने दूतां दे विखे आखदा है कि अपने दूत स्वर्ग दूतां नूं की बनांदा है, हवावां। कई बार हो सकता है कि जो असं प्रार्थना करते सू इस तरह फील हों कि जिम्मे हवावां चल रही है, भावें पखा बंद हो, सर्दी का मौसम हो सकता है। वचन की दसदा अपने स्वर्गदूतों के विषय च की कहता है, अपने दूतों हवावां अपने सेवकों की बना अग बना, झटकती हुई बलती हुई अग वह अपने सेवकों बना, और जे दूत साढ़े दुश्मनों भी मार सकते। एक लास्ट गल करांगा कि होया सीगा जो परमेश्वर ने अपने इजराइली लोगों मिस्र चो कढ़ के लेके जाना सीगा, और हुक्म यह दिता कि तुसी अपने घर के दरवाजे के उत्ते उस मेमने का लहू लगा लो। अज रात नूं कहने आना, रात नूं एक बंदा आएगा और वह हर दरवाजे के उत्ते लहू नूं देखेगा, अगर लहू ना लग्या होया तो उस घर के विचों हर एक जेठा मारिया जाएगा, चाहे वह इंसान का आ चाहे वह जानवर का आ, जिहड़ा वड्डी संतान आ वह मर जाएगी एक रात के विच, और एक रात के विच पूरे देश के विच हाहाकार मच गई और लोगों का रोना कुरलाना हो गया, क्योंकि एक चीज आई सी। कौन सी वह? बाइबल पढ़ते हैं जां नहीं? कौन आया सी? एक स्वर्गदूत आया सीगा, प्रभु यीशु ने उन्हें कल्लिया सीगा और यह संदेश दे के कल्लिया सीगा कि तू देखना जिन्हां दे घर दे उत्ते लहू लग्या होगा उन्हां नूं छड्ड देना, उन्हां दे जेठियां नूं छड्ड देना, बाकी सारे दे घर दे विच एक एक मौत।
और स्वर्ग दूत नूं इन्नी सामर्थ दे के परमेश्वर ने भेजा सीगा सैकेंडा दे विच ओह इन्नी जल्दी ट्रैवल कर लैंदे आ इन्नी जल्दी उन्हां दी स्पीड आ कि सैकेंडा दे विच ही सारे जेठे मार दित्ते उन्हां स्वर्ग दूतां ने। हालेलुया। स्वर्ग दूतां नूं इहदा मतलब थोड़ा गुस्सा भी आंदा आ और जो परमेश्वर कहिंदा आ ओह कर भी दिखांदे आ। की होया जदों सदोम शहर दे विच जदों लूत नूं हुक्म दित्ता सीगा कि तू इस शहर नूं छड्ड के चला जा क्योंकि इस शहर दे जिहड़े पाप आ ओह स्वर्ग चों दिखाई दित्ते जाण लगे आ। जिहड़े उस शहर दे पाप उस स्वर्ग तक दिखाई दित्ते जाण लगे ते परमेश्वर ने दो अपने स्वर्ग दूत भेजे ते उन्होंने लूत नूं हुक्म दित्ता जिहड़ा अब्राहम दा भतीजा सीगा कि तुसी अपना शहर छड्ड के चला जाओ और पिछे मुड़ के नहीं देखना। और अब्राहम जिहड़ा लूत सीगा वो अपनी फैमिली दे नाल अपनी पत्नी दे नाल जदों वापस जा रहा सीगा होर शहर नूं और अपना घर छड्ड के जा रहा सीगा और जिहड़ी लूत दी पत्नी सीगी उहने स्वर्ग दूतां दे कहणे नहीं लगी। उह उन्होंने कहा सीगा कि तुसी पिछे मुड़ के नहीं देखना बस घर छड्ड के चला जाना क्योंकि असी बहुत सारी अग भरानी आ और पूरे जिहड़े शहर नूं असी जला के राख कर देना चाहे किसी का घर आ चाहे किसी के जानवर आ चाहे किसी की फैमिली आ अज अग बरनी आसमान दे उत्तों। और की होया जिहड़ी औरत ने यकीन नहीं किया उस जगह ते की बन गई ओह एक पक्का लून का थम बन गई जम गई उस जगह ते। अगर असीं स्वर्गदूतां दे आखे नहीं लगदे अज स्वर्गदूत साढ़े जीवनां दे विच काम करदे आ अज स्वर्गदूत साढ़े लई छुटकारा दिंदे आ अज स्वर्गदूत साढ़े सुपनिआं दे विच आउंदे आ। बहुत सारे लोकां दे जीवनां दे विच सुणी मेरी गल ध्यान दे नाल बहुत सारे सुपनिआं दे विच लोक परमेश्वर दे जिहड़े दासां दा दर्शन करदे आ। परमेश्वर दा कोई भी दास होवे कोई भी सेवक होवे उहनां दे सुपनिआं दे विच की आउंदा आ उन्हां दी गवाही आ जां सुपने इदां दे हुंदे कि अज मेरे सुपने दे विच ओह पास्टर जी आए अज मेरे सुपने दे विच ओह परमेश्वर दा दास आया। और अलग अलग सुपने आ सकदे आ हो सकदा तुसीं इस चर्च दे पक्के मैंबर हो पर तुहानूं किसे होर चर्च दा जिहड़ा सेवक आ उहदा सुपना आए और हो सकता है कि होर कोई चर्च का जिहड़ा मैंबर आ उन्होंने सुपने दे विच होर कोई जिहड़ा होर कोई चर्च का जिहड़ा सेवक आ जिहड़ा दास आ उन्होंने सुपने दे विच आए। गल समझ रहे हैं सुपने दे विच परमेश्वर दे दास आ सकते हैं कोई भी आ सकता चाहे तुसीं उन्होंने परसनली मिले आ जां नहीं। अगर तो उदास तुहाडे लई कोई आशीष दे के जा रहा है अगर उदास उस सेवक तुहाडे लई कोई प्रार्थना करके जा रहा है अगर उदास तुहाडे लई कोई वचन दे के जा रहा है जिहड़े बाइबल दे अनुसार आ तां तुसीं उहनूं हां ते आमीन दे विच लै लो क्यों जो उह जिहड़े जिहड़े सुपने दे विच प्रभु दे दास आंदे आ उह दास नहीं हुंदे उह स्वर्गदूत हुंदे आ। हालेलुया हालेलुया। एक दास दे कोल एबिलिटी नहीं आ कि उह दूसरे दे सुपनिआं दे विच चला जाए। एक सेवक दे अंदर उन्नी परमेश्वर ने दिता नहीं आ शक्ति कि किसी दे सुपने दे विच चला जाए और उन्हूं जाके ब्लैस कर दे उहदा जीवन बदल दे। पर स्वर्गदूत स्वर्गदूतां नूं दी भाषा असीं समझदे नहीं उहनां दे शरीर कान असीं नहीं समझदे और जे साडे सुपने च आ जाए हो सकदा असीं डर भी जाइए। इसलिए परमेश्वर ने एक जरिया चुनिया आ कि वह अपने सेवकों को अलग अलग जिहड़े लोगों के जीवनों के जिन्हों के जीवन से खास मकसद आ अपने जिहड़े दासा का चेहरा दे के उन्होंने इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और उस तरह होंदा आ आमीन उस तरह होंदा आ। और मैं भी याद आ कि मैं अज तो लगभग एक डेढ़ साल पहला एक सुपना देखिया और उहदे विच एक परमेश्वर दा दास आया और उहने मेरे नाल बहुत सारिया गल्लां कीतियां और बहुत सारा मैनूं प्रार्थना दे बारे सेवकाई दे बारे दस्सिया और बहुत लंबा वह सुपना चलिया और परमेश्वर दे राज दीआं गल्लां उहने मैनूं सारिया दस्सिया और उस दिन तो बाद इस चर्च की जिहड़ी सेवकाई बदल गई। हालेलुया। 15 या 17 मैंबर इस जगह ते बैठदे सीगे और अज बारिश आ नहीं तो यह हॉल भर जांदा आ। परमेश्वर ने कई गुणा ज्यादा अपने दूतों के राही ब्लैस कर दिता और उन्हें पूरा कर दिता सिर्फ एक की किया असी आज्ञाकारी की। हालेलुया। जो दूत साडे सुपने दे विच परमेश्वर दे दासा दा रूप धार के आंदे आ उहदा मतलब उन्होंने जो कहता ते हो जाना आ पर साडा इस जगह ते फर्ज आ कि असी उहदी आज्ञा नूं पूरा करना आ।
आमेन हालेलुया। असी उदी आग्या नूं की करना आ पूरा करना। मैं बहुत बारी इस जगह लोगों की गवाहियां सुनता कि अज मेरे सुपने के परमेश्वर का दास आया, अज मेरे सुपने के उस चर्च का परमेश्वर का दास आया, मेरे बच्चे लिए यह शब्द बोले, मेरे लिए यह शब्द बोले, मेरे घर के लिए वह शब्द बोले। जे तुसी उदी आग्याकारी नहीं की तो तुहाडे लिए नहीं होएगा। क्यों? वह स्वर्गदूत आ। और जे स्वर्गदूत बाइबल के समय के काम कर रहे थे तो स्वर्गदूत अज भी काम कर रहे हैं। मैं जाग की गवाही हाँ इस गल के लिए। बहुत सारिया भैन हो सकती है, बहुत सारे भाई हो गए कि जिन्हों के सुपन परमेश्वर के दास आए और जो उन्होंने उन्होंने दिता जो कुछ उन्होंने लिए बोलिया और अगर उन्होंने यकीन के नाल आग्ञाकारी के नाल उन्होंने गलों रिसीव किया तो उन्होंने लिए हो गया। और ये चर्च इस गल की गवाह आ कि जो सुपने दे विच मेरे आया और परमेश्वर ने कर दिता और ओदे दूत ने कीता। हालेलुया।